विद्या भवन सोसाइटी और सिक्सरिया ट्रस्ट के बीच औपचारिक जुड़ाव 1941 में शुरू हुआ, जब सेठ श्री गोवर्धन दास गोविंद राम सिक्सरिया ट्रस्ट ने राजस्थान के पहले शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया। इसके एक साल बाद 1942 में इस कॉलेज की शुरुआत हुई, जो विद्या भवन स्कूल के एक दशक के सकारात्मक और समृद्ध अनुभवों से प्राप्त विचारों और ज्ञान को फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। श्री सिक्सरिया जी के योगदान के सम्मान में कॉलेज का नाम उनके नाम पर विद्या भवन गोविंद राम सिक्सरिया टीचर्स कॉलेज रखा गया। कॉलेज के प्रत्येक सदस्य स्टाफ के साथ साथ समस्त विद्यार्थी भी संस्थान के इतिहास में श्री सिक्सरिया द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत हैं। विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए यह संस्थान नवाचारों, प्रयोगों, नवीनतम गतिविधियों तथा साधनों की उपलब्धता में अग्रणी रहा है। वर्तमान में भी यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर उन्मुख है। इसी उत्कृष्टता को बनाए रखने के प्रयास में इस सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसके लिए सिक्सरिया जी फाउंडेशन द्वारा महाविद्यालय को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। सामाजिक जागरूकता के संदर्भ में महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र के प्रारंभ में सद्भावना सप्ताह मनाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में सद्भाव, शांति, सहयोग एवं समरसता की भावना का विकास करना था। चूँकि बीएड में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी भावी अध्यापक हैं, अतः ऐसे अध्यापक तैयार करने की आवश्यकता है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चले। इन्हीं विचारों को साझा करते हुए विद्या भवन सोसाइटी के मुख्य संचालक डॉक्टर अनुराग प्रियदर्शी ने अपना वक्तव्य दिया। विद्यार्थियों ने कम्युनिटी हार्मनी विषय पर निबंध, स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसी क्रम में उन्हें धर्म फिल्म दिखाई गई, जिसमें धर्म पर मानवता की विजय को दर्शाया गया था। वहां मानव मूल्य धर्म से ऊपर होते हैं यह बताने का प्रयास किया गया, और साथ ही सही मायने में वही धर्म धर्म कहलाता है जो प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता की भावनाओं का सम्मान करना सिखाता है। फिल्म दिखाने के पश्चात विद्यार्थियों से इसी विषय पर चर्चा की गई और सप्ताह के अंतिम दिन विद्यार्थियों ने रैली निकालकर सद्भावना का संदेश प्रसारित किया। शारीरिक स्वास्थ्य एवं योग पर चर्चा के संदर्भ में एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्या भवन सोसाइटी के मुख्य संचालक श्री अनुराग प्रियदर्शी ने विद्यार्थियों को मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में योग एवं खेलों की उपयोगिता पर चर्चा की। साथ ही नशा मुक्ति एवं जल में विद्यमान उपयोगी घटकों की जानकारी विषय पर भी बातचीत की गई। इन सभी मुद्दों पर विद्यार्थियों ने गांव में जाकर सर्वेक्षण का कार्य किया एवं समूह में आंकड़े एकत्रित किए एवं रिपोर्ट तैयार की। इस वार्ता से विद्यार्थियों को गांव के निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के बारे में जानकारी मिली। उनके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने एक जागरूकता कार्यक्रम बनाया, जिसमें उन्होंने गांव में जाकर लोगों को इस विषय पर जानकारी दी और नशा कैसे हानिकारक है इस पर नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया। जल में विद्यमान हानिकारक तत्वों को कैसे दूर किया जाए, इसकी भी विस्तृत जानकारी उन्होंने प्रदान की। वर्तमान में ऑटिज्म विकार से ग्रसित विद्यार्थियों की पहचान कैसे करें, इस विषय पर नीदरलैंड में समावेशी शिक्षा पर कार्य कर रहे शिक्षक जेनो उमेश ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने इस विकार से ग्रसित बालकों के लक्षणों एवं कारणों को उदाहरणों के माध्यम से समझाया। आपने ऐसे विद्यार्थियों हेतु तैयार किए गए कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग करके बताया। वेलनेस सेल के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें टीम प्रभारी डॉक्टर निष्ठा ने विद्यार्थियों को किशोर बालकों के मानसिक स्वास्थ्य, उनके निर्देशन, लैंगिक संवेदनशीलता एवं सेक्सुअल हरेसमेंट आदि विषयों पर
विस्तृत जानकारी प्रदान की, जिससे भावी अध्यापक अपने कार्य क्षेत्र में जाकर इसका उपयोग कर सके। महाविद्यालय के भाषा विभाग द्वारा 10 दिवसीय सृजनात्मक लेखन कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीए एवं एमएड के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया और कविता, कहानी, यात्रा वृतांत एवं निबंध लेखन आदि की रचना करने का कार्य किया। इस कार्यशाला में प्रत्येक विधा पर रचना कैसे करें, इस विषय पर विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात विद्यार्थियों द्वारा रचित रचनाओं पर पुनः छोटे समूह में कार्यशाला में कार्य करवाया गया। इससे संबंधित एक पैनल चर्चा भी रखी गई। साथ ही बर्लिन से पधारे राफेल लिंडेन, जो कि एक लेखक है, उन्होंने भी इस समूह से बातचीत की। इसी दौरान चयनित रचनाओं का प्रस्तुतिकरण करवाते हुए उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही इस कार्यक्रम की एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया है। महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में एक आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ है, जो महाविद्यालय में आयोजित होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकोष्ठ के कार्यों की अधिक सरलता और सहजता से कैसे किया जाए, इस पर एक वार्ता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में संकाय सदस्यों की क्षमता संवर्धन हेतु एक रीडिंग क्लब बनाया गया है, जो शैक्षिक विषयों, नवीन दस्तावेजों एवं शोध आदि पर आधारित रीडिंग उपलब्ध करवाकर प्रत्येक शनिवार को उस पर चर्चा का आयोजन करता है, जिससे संकाय सदस्य नवीन शैक्षिक विषयों पर चिंतन, समीक्षा एवं विश्लेषण करते हैं, जो उनके आलेख, शोध आलेख एवं अन्य सभी प्रकार के लेखन में सहायक होता है। साथ ही वे नवीन प्रवृत्तियों से अपडेट होते हैं। महाविद्यालय एवं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में वेबिनार सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 4 वेबिनार हो चुके हैं। इसका उद्देश्य शिक्षक महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शिक्षाविदों के मध्य संवाद स्थापित करना और उन्हें विभिन्न शैक्षिक मुद्दों से लाभान्वित करना रहा है। साथ ही भावी अध्यापकों में शिक्षक शिक्षा संबंधी विभिन्न विषयों की समझ विकसित करना, ताकि वे कक्षा कक्ष में इसका उपयोग कर सके। यह वेबिनार विद्यार्थियों के लिए इस रूप में भी उपयोगी रहा कि इसमें सम्मिलित किए गए विषय जहां उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वहीं उन विषयों के विविध आयामों से वे परिचित हो रहे हैं, जो उनकी इनसाइट डेवलप करने में उपयोगी साबित होंगे। अब तक इसमें जेंडर, सीखना, शिक्षा क्या और कैसे एवं शिक्षक शिक्षा विषय पर वेबिनार आयोजित हो चुके हैं और इन विषयों के पोस्टर बनाने में महाविद्यालय की विद्यार्थियों ने भी अपना योगदान दिया है। शोध के क्षेत्र में शोधकर्ताओं, शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शोध मार्गदर्शकों को शोध संबंधी बारीकियों से अवगत करवाने एवं नवीन जानकारियों से अपडेट करने हेतु रिसर्च फोरम का गठन महाविद्यालय में किया गया। इस फोरम द्वारा शोध के विविध विषयों पर वार्ताओं का आयोजन किया गया, जिसमें गुणात्मक शोध विषय पर पहली वार्ता प्रोफेसर सुषमा तलेसरा द्वारा, इसी विषय पर लगातार 2 वार्ताएं डॉक्टर सूरज जैकब द्वारा तथा इसी क्रम में तीसरी वार्ता रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं विषय पर डॉक्टर के एस गोपी सुंदरम द्वारा ली गई। उन्होंने रिसर्च प्रपोजल बनाने संबंधी धातव्य बातों को बारीकी से बताया। चौथी वार्ता विद्या भवन सोसाइटी के मुख्य संचालक डॉक्टर अनुराग प्रियदर्शी द्वारा ली गई, जिसमें उन्होंने रिसर्च के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इसी तरह शोध कार्यशालाओं का भी समय समय पर आयोजन किया गया, जिसमें 2 दिवसीय उपकरण निर्माण कार्यशाला डॉक्टर डी एन दानी, डॉक्टर एम पी शर्मा एवं डॉक्टर सुषमा तलेसरा के द्वारा ली गई, जिसमें उदयपुर के अन्य महाविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर, एमएड के विद्यार्थी, शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक आदि लाभान्वित हुए। दूसरी 2 दिवसीय कार्यशाला प्रोफेसर पीसी दोषी द्वारा ली गई, जिसमें उन्होंने शोध हेतु निर्मित उपकरण को मानक बनाने एवं आइटम एनालिसिस के तरीकों पर उदाहरणों द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की। अगली 2 दिवसीय कार्यशाला हाल ही में 9 एवं 10 अक्टूबर को आयोजित हुई, जिसमें शोध विषय के चुनाव, रिसर्च एथिक्स, परिकल्पना निर्माण, रिसर्च एरर, सैम्पलिंग, मिक्स मेथड,
पैरामेट्रिक एवं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, रिसर्च प्रपोजल और रिपोर्ट राइटिंग पर विषय विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी, जिसमें विभिन्न महाविद्यालय के शिक्षक, प्रशिक्षक, रिसर्च स्कॉलर और एमएड के विद्यार्थी लाभान्वित हुए। महाविद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के संदर्भ में पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आउटसोर्स के रूप में आमंत्रित मैकेंजी ने लीफ मंचिंग पर विद्यार्थियों से बातचीत की। हर्बल गार्डन का विकास करने हेतु एलोवेरा के साथ अन्य मेडिसिनल प्लांट लगवाए गए। ऑर्गेनिक खाद के निर्माण हेतु उन्होंने पत्तियों को संग्रहित करवाकर गड्ढे में भरवाया। विद्यार्थियों ने यह कार्य 3 दिवस तक किया। इस कार्य का प्रमुख उद्देश्य भावी शिक्षकों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना एवं हर्बल पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार उपयोगी है यह जानकारी प्रदान करना था, जिससे वे अपने कार्य क्षेत्र में जाकर इसका उपयोग भी कर सकें। विद्या भवन महाविद्यालय एवं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक शिक्षा लक्ष्य, चुनौतियां एवं संभावनाओं विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा के विविध सरोकारों पर विभिन्न सत्रों में पैनल चर्चा हुई, जैसे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के बदलते स्वरूप एवं चुनौतियां, शिक्षक प्रशिक्षक कैसा हो, शिक्षक शिक्षा में कला एवं संस्कृति का महत्व, नीतिगत बदलाव और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा का स्वरूप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, सेवाकालीन प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण में चुनौतियां एवं वर्तमान इंटर्नशिप कार्यक्रम की समस्याएं एवं सुझाव आदि पर चर्चा और समीक्षा हुई। इस प्रकार इस संगोष्ठी से संपूर्ण शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के विविध पहलुओं पर मंथन हुआ। महाविद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय हैं, जिसमें लगभग 45,000 से अधिक उपयोगी पुस्तकें, शोध ग्रंथ एवं शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध हैं। यहाँ पर पुरानी ढेर सारी ऐसी सामग्री है जिनका संरक्षण करना आवश्यक है, अतः हाल ही में पुस्तकालय को डिजिटलाइजेशन करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि इस समृद्ध सामग्री को पाठकों तक सुलभ किया जा सके। महाविद्यालय ने इस सत्र में 61,000 रुपये की राशि स्कॉलरशिप के रूप में 8 विद्यार्थियों को देकर उनके शिक्षण में सहयोग प्रदान किया।